पटना में भी बड़ा ही धूमधाम से विजयदशमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। गांधी मैदान की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं भगवान श्री राम का रथ रवाना हो चुका है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, अब कुछ ही क्षण में रावण दहन होगा। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, तो ये गांधी मैदान की तस्वीरें हैं जहां पर भगवान श्री राम का रथ अब रवाना हो चुका है। अब कुछ ही क्षण में रावण का दहन होगा, श्री राम तीर से रावण का दहन करेंगे। तो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, गांधी मैदान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो पूरे देश में विजयदशमी की धूम देखने को मिल रही है, और आज विजयदशमी के अवसर पर विजयदशमी के दिन धू धू करके रावण जलेगा। बुराई की हार होगी आज और अच्छाई की जीत होगी। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं रथ जा रहा है भगवान श्री राम का। ये रथ जा रहा है जिसमें भैया लक्ष्मण भी हैं और माता सीता, भक्त हनुमान भी यहाँ मौजूद हैं, और साथ ही साथ आज रावण का वध करेंगे भगवान श्री राम, और उसके बाद माता सीता को अपने साथ लेकर के जाएंगे। तो ऐसी मान्यता है हिंदू धर्म के अनुसार। आपको बता दें कुंभकर्ण और मेघनाथ का भी प्रतिमा यहाँ पर है साथ ही साथ, और तीनों प्रतिमाओं को आज भगवान श्री राम तीर से वार करेंगे और इनका दहन करेंगे। तो आज रावण दहन होगा, बुराई की हार होगी और अच्छाई की जीत होगी। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, तो गांधी मैदान की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको लगातार। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त गांधी मैदान में पहुंच चुके हैं, साथ ही साथ तेजस्वी प्रसाद यादव भी हैं अपने मंत्रियों के साथ, नेताओं के साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान में है। अब कुछ ही क्षण में रावण दहन होने वाला है, तो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं भगवान श्री राम अब कुछ ही क्षण में पांच बजने वाला है। लड़ाई आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, महायुद्ध आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, तीरंदाजी की जा रही है रथ से, श्री राम तीरंदाजी करते हुए तो तीर चला रहे हैं। भगवान श्री राम का रथ जा रहा है और कुछ ही क्षण में, महज कुछ ही क्षण में अब रावण दहन होगा। तो पटना के गांधी मैदान की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। रावण दहन कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के तीनों पुतलों को मैदान में खड़ा कर दिया गया है। इस साल की अगर हम बात करें तो 70 फीट का रावण, 65 फीट का मेघनाथ और 60 फीट का कुंभकर्ण का पुतला लगाया गया है। और शाम 5 बजे के कुछ मिनट में, यानी कुछ ही क्षण में अब दशानन रावण का वध होगा और भगवान श्री राम इसका वध करेंगे। इसके बाद कुंभकर्ण और मेघनाथ का भी वध किया जाएगा। तो गांधी मैदान की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर पहुंच चुके हैं, लालू प्रसाद यादव और मंत्री तेज प्रताप यादव भी पहुंच चुके हैं। ये तमाम मंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं और कुछ ही क्षण में रावण दहन होगा। रावण दहन का लुत्फ उठाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर गांधी मैदान में है, लालू प्रसाद यादव और मंत्री तेज प्रताप भी गांधी मैदान में पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रही है, रथ रवाना हो चुका है भगवान श्री राम का और कुछ ही क्षण में रावण दहन होगा। तो रावण का वध करेंगे भगवान श्री राम, बुराई की होगी हार और अच्छाई की जीत होगी आज के दिन। तो विजयदशमी का पर्व जो है इसका अलग ही महत्व है, और इस दिन विजयदशमी पर धू धू करके रावण जलेगा। मरगुब इस वक्त हमारे साथ बने हुए, मरगुब क्या कुछ दृश्य है, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं मरगुब इस वक्त भगवान श्री राम का रथ जो है वो रवाना हो चुका है, तीरंदाजी हो रही है, लड़ाई हो रही है और कुछ ही क्षण में रावण का वध कर दिया जाएगा। तो तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही है वहां की मरगुब? और अब महज मुश्किल से 1 से 2 मिनट के अंदर में निकलेगा और रावण वध को कहा जा सकता है। रावण जो घड़ी थी वो घड़ी बिल्कुल ठीक आ गई है, और में इसका वध होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ सभी लोग मंच पर उपस्थित जा रही है। उसके बाद फिर तो बिल्कुल उम्मीद और जो खड़ी थी वो अब नजदीक आ गई है। महज 5 मिनट के अंदर में पटना के गांधी मैदान में रावण वध का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है।
काफी ज्यादा भीड़ है और काफी ज्यादा भीड़ के कारण नेटवर्क पूरी तरह काम है। लोगों के हालात में नीतीश कुमार के साथ साथ सभी लोग जा सकते हैं, उपस्थित हैं और यहाँ कहा जा सकता है अब इंतजार की घड़ी खत्म हो रहा होने जा रही है। लाइव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं लगातार और रावण वध का जो कार्यक्रम है वो अब शुरू होने जा रहा है और बिल्कुल कहा जा सकता है कहीं ना कहीं गांधी मैदान के अंदर धार्मिक प्रक्रिया खत्म होने वाली है। दो से तीन मिनट कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जी निशु बिल्कुल बिल्कुल मरगूब तस्वीर हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। अब कुशी क्षण में रावण का वध होगा, सवारी निकल चुकी है, महायुद्ध यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मरगूब इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए, वहां की ताजा अपडेट समय देंगे, लेकिन तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, महायुद्ध शुरू हो चुका है राम रावण का, भगवान राम का रावण का, और उस वक्त आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं युद्ध शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ मौजूद है, लुत्फ उठा रहे हैं और साथ ही साथ राज्यपाल राजेंद्र लेकर भी मौजूद है। अब कुशी क्षण में महज कुशी क्षण में अब रावण का वध होने वाला है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि गांधी मैदान की हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। रावण का पुतला है और साथ ही साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ का भी पुतला है। अब कुशी क्षण में भगवान श्री राम रावण का वध करेंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद है, श्रद्धालु मौजूद है और इस दृश्य को देखने के लिए बेताब हो रहे हैं। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो पूरी तरीके से पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर साफ तौर पर तस्वीरों में देख पा रहे हैं। अब कुशी क्षण में अब भगवान श्री राम रावण का वध करेंगे। महायुद्ध शुरू हो चुका है, सवारी भगवान राम की निकल चुकी है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं और साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर और लालू प्रसाद यादव, मंत्री तेज प्रताप भी मौजूद हैं और इस पूरे तस्वीरों को साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे। तो भगवान श्री राम का रथ रवाना हो चुका है। पटना के गांधी मैदान की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। तो मरगूब आलम इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। तो पटना के साथ साथ रांची की भी झलक हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रही। तो ये सोने की लंका की पंडाल हम आपको दिखा रहे हैं, आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, और ये वही सोने की लंका है जहां पर रावण रहा करते थे और अब इस लंका का भी दहन होगा और रावण का भी दहन होगा। कुशी क्षण में बस इंतजार कीजिए।